चलिए बढ़ते आगे। मऊ में सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन जारी है। सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के 5 ब्राह्मण नेता आज एक मंच पर दिखाई दिए और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधायक सनातन पांडे, परशुराम चेतना, पीठ के संस्थापक पूर्व विधायक संतोष पांडे समेत अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे, पूर्व विधायक उमेश चंद्र पांडे मौजूद। ये आपके बीच आएंगे तो ये नहीं बताएंगे कि ऑक्सीजन जानने वाले में परिवार में, रिश्तेदार में, गांव घर में, बाजार में, अगर किसी एक आदमी की मौत ना हो तो बता दो कोरोना का। लाखों लाखों लोग चले गए, लाखों लोग चले गए और उनका शीश लेकर तो खड़ा होकर कहता है कि कोरोना में तो एक भी मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से। कहता नहीं कहता है, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप बता दो कि भाई आप गलत कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि आप यहां जब समाजवादी सरकार की तो ढुकुरिया घाट पर पुल बनाने का काम किसने किया? बताओ ढुकुरिया पार्क घाट पर पुल किसने बनाया था? माता प्रसाद पांडे जी ने बनाया था नहीं बनाया था? मनोज पांडे जी ने बनाया था नहीं बनाया था? समाजवादी पार्टी ने बनाया। में मधुबन बाग पे आदरणीय मोहन सिंह साहब के नाम पर पुल किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। दोहरी घाट पे हॉस्पिटल बनाया किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। मधुबन में नया अस्पताल बनाया किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। मधुबन में ट्रॉमा सेंटर बना, मधुबन में अस्पताल जो सीएचसी केएचसी बने, जो बिजली का घर बना किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। दोहरी घाट मधुबन मार्ग को मधुबन से बिरला घाट को जोड़ने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। चिड़िया कोर्ट से मधुबन द्वार बनाया किसने बनाया? बताओ ना, समाजवादी पार्टी ने जो किया उसमें तो कहो कम से कम समाजवादी पार्टी ने बनाया। मऊ से मधुबन शहीद मार्ग बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया। जिला महिला अस्पताल मऊ का निर्माण हुआ तो समाजवादी पार्टी ने किया। और आज माननीय स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, मैं इनसे मदद मांगूंगा, सरकार बना दो, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दो। हम सब लोग उनसे निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके कि मऊ को नया मेडिकल कॉलेज देना चाहिए। इस मदद में सब लोग साथ देंगे, सबको देने के लिए भी जाओ मेडिकल कॉलेज मिल जाए। कल्याणपुर में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया किसने बनाया? समाजवादी पार्टी। और मेरा चैलेंज है कोई एक अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज, एक सड़क आप गिना दो जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। हमने जब एक्सप्रेस वे बनाने की बात करी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाने का शपथ ली। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये काम करने की शैली को दर्शाता है। उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वो उसके परिश्रम और पराक्रम को दर्शाता है, निर्णय लेने की क्षमता, उस निर्णय को जमीन पर उतारने की क्षमता को दर्शाता है, इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये सिर्फ एक्सप्रेसवे की बात नहीं, आपकी सड़क पे उसका उदाहरण है कि जब निर्णय ले लिया तो 22 महीने। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।